हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं पहुंच गई हूं अपने घर, अपने ससुराल गांव के। तो चलिए देखते हैं। मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग? आज आप लोग सोच रहे हो कि मैं कहाँ हूँ। मैं सुबह सुबह पहुँच गई वाराणसी से अपने घर। एक्चुअली रात को ही हम लोग आ चुके थे, तो हमने रात को मैंने साड़ी वगैरह चेंज की थी और फिर एक शादी थी वहाँ पे गए, बट वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉग, एकदम अंधेरा। और अभी मॉर्निंग, आज जो वेडनेसडे है, तो सो के हम उठे हैं। और देखिए, मतलब मैं तो रेडी हो गई और ये गोली सॉफ्टी दोनों अभी टहल रहे हैं। बबीता को दिखा दूँ क्या? ये देखो इतनी ठंडी लग रही है बेचारे, ऑफिस तक बैठी। तो सब अब रेडी हो जाएंगे तो मैं आप लोगों से आगे मिलूंगी। अब हम क्या क्या करने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। कल है 10 तारीख और कल की भी वीडियो शूट करूंगी मैं, तो पूजा वगैरह का जो भी है वो सारी चीज़ें। वीडियो थोड़ी लेट आएगी लेकिन ज़रूर देखिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साउटी कैसी लग रही है? चलो ठीक है, मैंने आज ये ड्रेस पहना है अपने ससुराल में, और साड़ी वीड़ी भी सब लाई है, पहनूंगी और सब चीज़ें आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। चॉकलेट खा लो सुबह सुबह। चलो आगे मिलते हैं फिर। ठंडी गजब की ठंडी पड़ रही है और हम लोग बैठ के देखिए यहाँ पे पूजा का सब तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये मंजू है, ये बड़े चाचा की लड़की सेकंड नंबर, और बबीता को आप लोग जानते हैं। मसूर है, देखो काम कर रहा है ठंडी में, स्वेटर पहन पहन के। हाँ। ये देखो अभी ये सब तैयारियां जो है ना, ये कल की तैयारियां हो रही है। हम लोग यहाँ पे पूरा देखो भर के ये सब्जी हम लोग छील रहे हैं अभी बैठ के। मजा आ रहा है ठंडी का। ये बहुत स्टाइलिश है, इनको फॉलो करिए आप इंस्टाग्राम पे। बबीता भी है, बबीता विश्वकर्मा के नाम पे। और ये पता नहीं कहाँ से आ गई है, ये भी आ गई है हीरोइन। एक से हीरोइन लोग घर में, लड़की दिखेंगी। एक आया है अभी बस। वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको। तो चलो अभी देखो यहाँ पे छीला छाली सब चालू है अभी हमारा। तो यहाँ पे हम बैठ के मटर वगैरह छील रहे थे और पूजा की तैयारियाँ आज से ही शुरू हो गई थी। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, ये जो आप घर देख रहे हैं ये हमारा एक्चुअली घर नहीं है, किसी और का है। मम्मी पापा यहाँ पे 4 से 5 महीने पहले से ही रह रहे थे। कल करेंगे, बट आज थोड़ा जो भी है, मम्मी भी वहाँ पे यू नो प्रसाद वगैरह बना रही हैं, और जैसा देश वैसा भेस बना के ही रहना चाहिए। फिर भी मेरी मम्मी ने, मेरे सासू माँ ने मुझे छूट दी है कि ड्रेस पहन सकती हूँ, तो मैं ड्रेस पहन के ही आज हूँ और कल साड़ी वेयर करूँगी मैं पूजा में। तो अब मैं दिखाती हूँ आपकी आपको अपनी सास से मिलवाती हूँ। तो मेरी बेटी है वो जो वीडियो शूट कर रही है, आपको दिखा रही है। तो कनिष्का लेके जाओ अम्मा के। इधर देख, आए बोलो। गांव में आके कैसा लग रहा है? मैंने तो अभी वो सब छील बिल लिया है। अरे वो उधर का वीडियो ना बिंदु। हाँ मैं बताती हूँ, देखिए पहले ही बोल दी उधर का वीडियो, देखो छील के हो गया। अभी बाकी की सब्जी कल कटेगी। मैं आपको बहुत अच्छा सा एक दिखाती हूँ कि यहाँ गांव की जो सब्जियाँ वगैरह होती है ना, घर में कैसे उगाते। तो थोड़ी दूर में देखो, ये देखो ये कितना अच्छा, ये पूरा धनिया है और ये पूरा लाइन से ना ये मूली है, इसमें पालक और मूली दोनों मिक्स है। देखिए यहाँ पे ये जो मैं दिखा रही हूँ, वहाँ पे भी उधर पालक है, पालक। हाँ, और देखो तुलसी इधर, देखो आपको बैंगन निकाल, देखो छोटे छोटे बैंगन नहीं है, ये बैंगन नहीं है, लौकी है। देखो ये लोग बैंगन बोल रहे हैं इसको, ये लौकी है। देखो ये कितना मस्त है ना, छोटू सा लौकी है ये। ये लौकी का पूरा पेड़ है और लौकी बहुत अच्छी होती है वैसे। ये देखो यहाँ पे एक सामने गाय है, बहुत बहुत सारे अच्छे। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, इसके अंदर वो भी है, क्या बोलते हैं, लहसुन भी है और ये भी है, क्या बोलते हैं, नहीं 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 कांदा, कांदे का पत्ता। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बताइए गांव में आके आप लोगों को कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। ये तो पूरा टाइम घूमते ही रहते हैं, खाली हरी हरी सब्जी खाने को मिल जाता है, फिर घूमने चालू हो जाता है इनका। पंडित कर लो, हाँ कर लो। आ गया मेरा छोटा सा पिल्लू, ये छोटा पिल्लू है। हाँ भाग गया, बस आता है जाता है। मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ,
तो देखो ये हमारी ब्यूटीशियन भी है और ये मेहंदी डिजाइनर मंजू एक से एक डिजाइन लगाती। दिखाओ गोल्डी, गोल्डी के हाथ पे भी देखो मस्त ना। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो चलिए मैं आज आपको अपने नए घर लेके चलती हूँ। तो थोड़ी दूर पे था, 4-5-6 महीने से मम्मी पापा वहीं रह रहे थे जब तक घर नहीं बन गया था जो मैंने आपको पहले दिखाया। और ये देखिए ये मेरा नया घर है कुछ इस तरह से। आप यहाँ पे किचन देख सकते हैं इस साइड में और आगे का एक रूम है पापा मम्मी के लिए। यहाँ पे साइड में बाथरूम एंड ऑल है इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा यू नो पूरा एकदम बॉम्बे स्टाइल में बनाया है, एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सीढ़ी है जो ऊपर की तरफ आप चढ़ के जाएंगे तो फिर बहुत ही अच्छा सा स्पेस भी है। यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ही सोच समझ के बनाई गई थी। यहाँ पे स्टोरेज है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अरेंज कर दी है अभी फ़िलहाल, तो उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के बाद ही घर बनता है, घर इतना आसानी से तो नहीं बनता। यू नो यहाँ पे बेसिन है, ऊपर की तरफ में भी एक टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है जो काफ़ी अमेजिंग है, मतलब मेरे बेडरूम के बाजू में ही है। तो कोई भी अगर यहाँ पे रहेगा रुकेगा भी तो आराम से ये यूज़ कर सकता है बाथरूम एंड ऑल। बहुत ही अमेजिंग लग रहा था ये। इस तरह से ये मेरा बेडरूम है और हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा अब हमने सेटअप कर दिया है। और बेडरूम के थोड़ा बाहर आप जाओगे तो इस तरह से पूरा बड़ा सा यू नो खुला हुआ इस तरह आंगन है, तो आराम से इजीली आप चाय पानी पी सकते हो, बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक टेरिस है, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही बोलते ना सपनों का घर ऐसा ही होता है। और बहुत मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें करने में, सीरियसली बहुत अच्छा लगा कि हाँ भगवान जी एक बहुत अच्छा सा काम हो गया। यहाँ छत पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए सनसेट होने जा रहा था और अमेजिंगली ये वर्क डन हो चुका है फाइनली। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से पूजा वगैरह हुई, तो उसकी वीडियो भी सेम कंटिन्यू करूंगी क्योंकि मैं अलग अलग वीडियो नहीं बना पाऊंगी आगे क्योंकि नेट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है यहाँ पे। जितने भी वीडियोस अपलोड कर पाती हूँ, मेरा चैनल मुंबई कर बिंदु भी है, वहाँ पे भी मुझे वीडियो अपलोड करना होता है। सेम ब्लॉगिंग का भी कर रही हूँ साइमेंटेनियसली, जिस तरह से आप लोगों को पता है बहुत मेहनत लग जा रही है वीडियोस बनाने में। तो चलिए आगे कंटिन्यू, मैं आप लोगों को अपनी पूजा की जो वीडियो है वो भी इसी में बता देती हूँ। तो आप देखिए कि किस तरह से पूजा पाठ वगैरह विधि विधान हुआ, बहुत ही अच्छे से हो गया। तो चलिए, तो मैं सबसे पहले नहा धो के अपने घर आ गई थी और मेरी सासू माँ ने मुझे बोला बिंदु जाओ जल्दी से वहाँ पे पंडित जी आने के पहले तुम अपने हाथों से वहाँ पे खीर पूड़ी बना लेना और स्वस्तिक और ओम बना देना। तो मैं यहाँ पे ये कर रही थी, मैं आई फटाफट रेडी हो करके और इस तरह से ये चीज़ें मैंने कर ली यहाँ पे। उसके बाद मैं अब खीर पूड़ी बनाऊंगी और पंडित जी आएंगे तो जो भी पूजा पाठ होता है सत्यनारायण भगवान जी का वो सारी चीज़ें शुरू होंगी अभी। लेके आए
मम्मी हाँ, तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह हो चुका है, अभी मैं जा रही हूँ एक्चुअली घर से निकल के, और बहुत सारे लोग गेस्ट वगैरह आए हैं और मैं कैसी लग रही हूँ एकदम, ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। तो बस पूजा वगैरह बहुत अच्छे से हो गया, हम बैठे थे और मेरा फ़ोन मेरे बच्चों ने साइड में रख के वो एंजॉय करने लग गए। बबीता के मोबाइल से मुझे थोड़ा सा वीडियो क्लिप मिल जाएगा तो मैं लूँगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का और वेदर तो बहुत ही ज़्यादा कूल है। ये गाय के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे क्योंकि इसके ना कान पर टैग लगा हुआ है, वो मैं बताऊँगी, इंश्योरेंस किया हुआ रहता है, इसीलिए मैं इन लोगों के लिए प्रसाद लेके नहीं आई क्योंकि बहुत गेस्ट आ रहे हैं। और मम्मी बोली तुम जाओ मेरे, फिर आनंद है वहाँ पे प्रसाद लेकर आएगा। सामान वगैरह भी शिफ्ट करना है तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ जहाँ पे मम्मी 4 महीने से यहाँ पे रह रही थी। सीरियसली हेड्स ऑफ, 4 महीने से घर बन रहा था, फाइनली पूजा वगैरह बहुत अच्छे से हो गया है। यहाँ पे थोड़ा घूंघट वगैरह हटा सकती हूँ इस तरह से, यहाँ पे भी काम चालू है। चाची से मिलवाती हूँ, यहाँ पे भी पूड़ी वगैरह बन रहा है, बुआ भी आई है। देखो यहाँ पे बबीता भी है, बबीता का थंबनेल ले रही हूँ। वही ना, मेरा वीडियो देखो ये लोग निकाले ही नहीं, यहाँ सब के सब यहाँ पे देखो ना बबीता। मम्मी बोली हाँ बस करो पूड़ी, मम्मी बोली हाँ ठीक है, सबके सब यही थे बच्चे लोग। अभी यहाँ पे तो थोड़ी सी सब्जी वगैरह काट चुकी हूँ मैं, बच्चे मेरे मस्ती कर रहे हैं, बच्चों को यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आज रात को हम अपने नए घर में जाके वहाँ पे आराम से सोएंगे। एकदम से परेशान हो चुके हैं ये लोग भी, ब्लर हो गई है गोल्डी मेरी, ये देखो दिखी अब बहुत जोर से भूख लगी है, अभी खा सकते हैं कि नहीं क्या पता। तो यहाँ पे पता है हम 9 कन्या खिलाने वाले थे, मम्मी जिस तरह से मम्मी ने मुझे बताया था कि 9 कन्या खिलाएंगे, तो मैंने सारी कन्याओं का सबसे पहले पैर धोया, उनके पैर को पोछा अच्छे से और फिर उनका स्वागत किया। बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ की, मतलब पूजा पाठ होती है तो 9 कन्या खिलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैसे ना काफ़ी बहुत सारी मान्यता है जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं अपने हिंदू धर्म में, और ये मुझे करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इस तरह से सब कर रही थी। और फिर देखिए आगे मैं इन लोगों को, मतलब यहाँ पे 2 लड़के भी थे, काफ़ी मज़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब मुझे इतनी अच्छी खुशी मिल रही थी ना इन बच्चों को खाना खिला के, अमेजिंग था। उसके बाद खाना वगैरह खिला के हम थोड़ा सा फिर उसके बाद फ्री हो गए, फ्री होने के बाद बहुत ही अच्छे से थोड़ा सेम घर में हमने उस दिन रिलैक्स किया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि 2 दिन से हम उसी घर में रह रहे थे जहाँ पे मम्मी 4-5 महीने से रह रही थी। मम्मी कितनी बड़ी बात है, हम तो एडजस्ट नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और काफ़ी अच्छा लगा, बहुत से लोग आए थे, गेस्ट आए थे, गाँव के ही आजू बाजू के लोग आए थे, जो मेरी साड़ी इतनी हैवी थी ना, मैं बार बार मैं आगे की तरफ ही झुक जा रही थी, इतनी हैवी साड़ी थी। बच्चों को पूछा कैसा लगा आप लोगों को, तो बहुत एंजॉय किया बच्चों ने, सारे बच्चों ने पेट भर के यहाँ पे खाना खाया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं अमेजिंग था, गांव में आना और लोगों से मिलना, अपने जैसे लोग जो मिलते हैं बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। आनंद क्या लेके आया गाँव में, यही सब काम करते हैं पकड़ पकड़ के, ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल है बटरफ्लाई, अभी हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन दिख नहीं रही है इसमें, आप लोग देखो यहाँ पे उड़ रही है, वो उड़ेगी। आनंद आनंद पकड़ा उसको, येलो कलर की बहुत ही अच्छा प्रिंट है, देखो देखो देखो, वाह कितनी सुंदर है ना, कितनी ब्यूटीफुल है ये, उड़ जा, ये नेचर है यहाँ पे एक्चुअली गाँव में, देखो उसके ऊपर कितना अच्छा ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, वाह ये देखो कितना अच्छा लग रहा है देख कर। गोल्डी देख, गोल्डी जल्दी आ, गोल्डी आ रही है, नहीं उड़ रही, देख नहीं उड़ रही।
बच्चों लोग देखो छत पे क्या कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पे धूप खाने आई हूँ। धूप, गांव का नजारा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मेरे गांव में आकर आप लोगों को कैसा लगा और मेरी ब्लॉग कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक जरूर करिए। बहुत ही मेहनत से मेरी जो वीडियोस लेकर